नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ हैं। लाइव जुड़े हुए हैं तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं। मंडी में शिमला मिर्च और ग्रासलैंड का सीजन चला हुआ है। बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च और ग्रासलैंड की आपूर्ति हो रही है। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत भाव में देखने को मिला। ज़्यादा बड़ा फेरबदल शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के रेट में फिलहाल अभी होता हुआ नज़र नहीं आया। यदि हम शिमला मिर्च की बात करें तो मैक्सिमम रेट 44 रुपए तक कर रहा है शिमला मिर्च का। 25 रुपए से लेकर 44 रुपए के बीच मंडी में शिमला मिर्च आज बिकी और ग्रासलैंड मंडियों में 40 से लेकर 50 रुपए के बीच में ग्रासलैंड मंडियों में बिकी है। इस तरह का जो 50 रुपए बिकी वो टॉप क्वालिटी थी और ज़्यादातर जो लॉट बिके हैं वो 40 से 44 रुपए के बीच में ग्रासलैंड के मंडियों में बिके हैं। ग्रासलैंड बड़ी मात्रा में मंडी में पहुंच रही है। अब बरसात के सीज़न की ग्रासलैंड और जो गर्मियों के सीज़न की ग्रासलैंड थी उसका सीज़न लगभग अब समाप्त हो चुका है और गर्मियों के सीज़न में शुरू में ग्रासलैंड के अच्छे रेट थे, 50 रुपये से ऊपर बने हुए थे। लेकिन बाद में जैसे ही सीज़न आगे बढ़ता गया तो ग्रासलैंड के रेट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। एक समय 12-15 रुपए तक का रेट पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही बरसात के सीजन की ग्रासलैंड मंडियों में आई है तो इसके रेट में थोड़ी तेजी देखने को मिली है और अब 44 रुपए तक आज बिकी है। कई जगहों पर 50 रुपए भी रेट रहा है, तो कुल मिलाकर 40 से 50 रुपए के बीच का रेट अच्छी क्वालिटी का सोलन सब्जी मंडी में ग्रासलैंड का रहा है। और इसी तरह शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आ रही है। पिछले 3-4 दिनों से रेट में तेजी देखने को मिली, जिसकी ये भी वजह है कि सोलन में पिछले 3-4 दिनों में कोई बारिश भी नहीं हुई है, क्योंकि जब भी बारिश हो रही है तो उस दौरान शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। सॉरी, शिमला मिर्च के रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो व्यापारी बाहरी राज्य से यहाँ पर आते हैं उनका मानना है कि शिमला मिर्च में पानी भर जाता है और उसे तो तब उसे मंडियों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये वजह रहती है कि शिमला मिर्च के भाव में तो उस दौरान गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आजकल 25 रुपए से लेकर 44 रुपए के बीच में ग्रासलैंड बिक रही है, तो शिमला मिर्च बिक रही है और ग्रासलैंड आप तस्वीरों के माध्यम से मंडियों में देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में ग्रासलैंड की आपूर्ति हो रही है। बरसात के सीजन की है, सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से ग्रासलैंड मंडियों में आ रही है। कई जगहों पर अभी टमाटर की बोलियाँ लगनी है, किसान टमाटर लेकर पहुँचे हुए हैं। हालांकि कल की तुलना में टमाटर के भाव में आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 100-200 रुपये की तेज़ी आज जरूर टमाटर में देखने को मिली है। ग्रासलैंड और शिमला मिर्च के रेट में कोई ज़्यादा बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। 2-3-4-5 रुपये प्रति किलो का यह उतार चढ़ाव चला रहता है, कभी रेट बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, इस तरह की स्थिति है। लेकिन एक रेट काफ़ी दिनों से शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के एक जगह पर टिके हुए हैं और सोलन सब्जी मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टमाटर की बोलियाँ चली हुई है, टमाटर आज मंडियों में पिछले कल की तुलना में आज कम मात्रा में पहुंचा है, लेकिन भाव में थोड़ी तेजी है। टमाटर का उठाव बाजार में हुआ है, उससे उपभोक्ताओं को सॉरी किसानों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है कि 100-200 रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्रेट टमाटर में देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मंडी में शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के रेट में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। 4-5 रुपए का उतार चढ़ाव मंडियों में चला रहता है और उसी तरह का मंडी में आज शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के रेट में देखने को मिला है। जहां शिमला मिर्च की बात करें तो 25 रुपए से लेकर 44 रुपए तक तो मंडियों में बिकी है और शिमला मिर्च ग्रासलैंड मंडियों में आज 40 रुपए से लेकर 44 और कुछ जगहों पर 50 रुपए तक भी ग्रासलैंड बिकी है। तो क्वालिटी का हिसाब है, जिस तरह की क्वालिटी उस तरह के रेट, लेकिन फिर भी किसानों को शिमला मिर्च और ग्रासलैंड के अभी अच्छे दाम मिल रहे हैं और टमाटर के दाम में भी थोड़ी सी आज तेजी देखने को मिली। किसान भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है, जिनके सामने बोलियाँ लग रही है। क्या लिखा है और हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, काइलर से पहुंचे। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी, आज टमाटर में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है,
पिछले 3-4 दिनों ने तो किसानों को ड्राई दिया था, तो क्या लग रहा है कि कितना भाव बढ़ा है? आज ऐसे 150-200 रुपये। यदि हम देखें पिछले 3-4 दिनों से जो टमाटर बिक रहा था मंडियों में, वो गर्मियों का, आपका गर्मियों का कि बरसात वाला आ गया? गर्मी वाला तो कल जैसे 150-250 रुपये के बीच में बिक रहा था, तो उसमें तो आपके खर्चे तो दूर, परिवहन का खर्चा भी पूरा हो रहा था, खर्चे नहीं हो रहे? तो आप लोगों ने तो ठेके भी जमीन दी होगी कि इस बार कैसा सीजन आया ओवरऑल गर्मियों का? अच्छा, जो महीना भर ठीक रहा उस वक्त तो रेट ठीक मिला होगा। और किसान है और बता रहे हैं कि पूरे दिन टमाटर का बढ़िया सीजन रहा, लेकिन बाद में इन्हें घाटे का ही सौदा साबित हुआ है, क्योंकि टमाटर के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। पंजाब की टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब की टीवी।